हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण सर रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट के DD क्लेम्स। जितने भी स्कीम्स होती हैं, TD, RD, MIS, सीनियर सिटीजन, जो भी स्कीम्स हैं, सभी के DD क्लेम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। DD क्लेम मतलब डिसीज डिपॉजिटर क्लेम। जब अकाउंट होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में DD क्लेम के लिए उसका नॉमिनी आता है या फिर कोई लीगल हायर आता है, तो वो केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले PTC मदुरई का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है। तो क्लेम दोस्तों तीन तरह के होते हैं। एक तो विद नॉमिनेशन, यानी कि अकाउंट में नॉमिनी उसने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा तो उस नॉमिनी को हमने क्लेम देना है। दूसरा होगा विद लीगल एविडेंस नो नॉमिनेशन, उसने नॉमिनी वहाँ पे नहीं किया होगा लेकिन जो लीगल हायर कोई भी आएगा उसके पास एक लीगल एविडेंस होगा, जो प्रोबेट ऑफ विल, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है या सक्सेशन सर्टिफिकेट। और तीसरा केस हमारा होगा उसके पास उसने नॉमिनी भी नहीं किया होगा और कोई भी लीगल एविडेंस भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में भी हमें क्या करना है, क्लेम देना है या नहीं देना है, देना है तो किसको देना है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं आज टोटल। तो ये तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों विद नॉमिनेशन वाला केस देखेंगे। GSPR 2018 की बात की जाए, गवर्नमेंट सेविंग्स प्रमोशन जो रूल्स होते हैं, तो नॉमिनेशन अभी 2018 के बाद में मैंडेटरी किया गया है सभी अकाउंट्स में। उससे पहले नॉमिनेशन मैंडेटरी नहीं था। और जो नॉमिनी कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉमिनी कर सकते हैं। और नॉमिनी अगर माइनर है तो डिपॉजिटर को एक अपॉइंटी ऑथराइज करना पड़ेगा जिसको हम लोग पैसा दे सकें उसकी डिसीज के टाइम पे। और नॉमिनी जो होगा उसको वो किसी भी टाइम पे मैच्योरिटी से पहले अकाउंट में चेंज कर सकते हैं, ये फैसिलिटी भी दी गई है। और डिपॉजिटर अगर इलिटरेट है तो उसको दो विटनेस लगेंगे, दो विटनेस चाहिए जो वहाँ पे उसकी अटेस्टेशन करेंगे। लेकिन अगर डिपॉजिटर पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, तो उसको विटनेस की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ केसेस हैं जिस केस में नॉमिनी को कैंसिल माना जाता है, या तो सभी नॉमिनी की डेथ हो जाए या फिर जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी पासबुक है आपकी उस अकाउंट को प्लेस कर दिया जाए, सिक्योरिटी के तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाए, तो उस केस में भी जो नॉमिनी होगा वो कैंसिल माना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, तो आइए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो क्लेम करने के लिए चाहिएगा, जो क्लेम फॉर्म जिसको बोलते हैं, अभी कॉमन क्लेम फॉर्म सभी स्कीम्स के लिए अप्लाई किया गया है। और उसके बाद दो विटनेस चाहिएंगे, दो विटनेस, तो उन दो विटनेस को वहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है अगर वो अपने सेल्फ अटेस्टेड ID प्रूफ या एड्रेस प्रूफ उसको सबमिट कराते हैं। और ID और एड्रेस प्रूफ ऑफ क्लेमेंट, जो हमारा क्लेमेंट है जो क्लेम करने के लिए आया है, उसका भी ID और एड्रेस प्रूफ चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल में या फिर फोटोकॉपी में। अगर फोटोकॉपी वो वहाँ पे सबमिट कराता है तो BPM, SPM या जो भी पोस्टमास्टर है जिसको वो डॉक्यूमेंट हैंडओवर करता है, तो उसको वहाँ पे रिमार्क मारना पड़ेगा फोटोकॉपी पे कि कंपेयर्ड विद ओरिजिनल एंड फाउंड करेक्ट। और उसके बाद वो अपने डेटेड सिग्नेचर करेगा और अपने ऑफिस की स्टैंप लगाएगा और ओरिजिनल जो होगा उसको रिटर्न कर देगा और क्लेम फॉर्म के साथ में उस फोटोकॉपी को लगा देगा। और उसके अलावा कोई सेपरेट क्लोजर फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है, SB7C जो क्लोजर फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्म है क्लेम फॉर्म उसी में लास्ट में एक्विटेंस का ऑप्शन दिया गया है, तो उस एक्विटेंस के पोर्शन को ही क्लेम जो क्लोजर अकाउंट क्लोजर होता है उसी के लिए ट्रीट करेंगे उसको। तो दोस्तों एक कॉमन प्रोसीजर दिया गया है सभी केसेस के लिए, जो तीनों केस हमने डिस्कस किए थे विद नॉमिनेशन या विदाउट नॉमिनेशन जो भी था, तो उसके लिए कॉमन प्रोसीजर हमें यही फॉलो करना है। जब भी वो नॉमिनी लेके आएगा क्लेम फॉर्म भर के कंप्लीट, तो सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है और जो पासबुक में उसका फिनेकल में बैलेंस चेक करना है कि कितना क्या बैलेंस है, और नेम चेक करना है, साथ में डिपॉजिटर का नाम क्या है और डेथ सर्टिफिकेट पे जो उसने प्रोवाइड किया है उस पे क्या नाम लिखा है। सारे डिटेल चेक करने के बाद में नॉमिनी चेक करेंगे, उसने जो नॉमिनी जो लिखा है वो फिनेकल में या फिर उसने जो AIF या फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म SB3 कार्ड जो भी है उस पे क्या उसने लिखा था, वो सारे डिटेल चेक करेंगे। पासबुक भी जैसे मैंने बताया, कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं है तो वो भी चेक करेंगे। ये सब चेक करने के बाद में पोस्टमास्टर सारी चीज़ों को ये वेरीफाई कर देगा और उसकी जेन्युइननेस, अगर वो कोई लीगल एविडेंस दे रहा है विदाउट नॉमिनेशन के केस में, तो उसकी जेन्युइननेस भी हम लोग चेक करेंगे।
सब कुछ सेटिस्फाई होने के बाद में वो क्लेम फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। साथ में एक चीज़ और चेक कर लेनी है, अगर NSC KVP के सर्टिफिकेट हैं तो अगर वो प्लेज किए हैं तो वो रिलीज़ कर दिए जाएं, रिलीज़ के ऑर्डर वहाँ से मिलने चाहिए, क्योंकि क्लेम तभी सेंक्शन होगा जब वो प्लेज उसकी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये सारे चेक करने के बाद में उस पर डेट स्टैम्प हमें पोस्ट ऑफिस की वो अप्लाई करनी पड़ेगी। डेट स्टैम्प लगाने के बाद में कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसकी प्रोवाइड करनी है कि उसने यहाँ पे क्लेम सेंक्शन कराया है, किस डेट को कराया, वो सारी डिटेल वो सब उसमें लिखने के बाद में क्लेम जो रजिस्टर होगा आपका, वो क्लेम रजिस्टर में भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। वो सारे उसमें एंट्री करने के बाद में अगर आपको अथॉरिटी है तो आप उस क्लेम को सेंक्शन कर सकते हैं विद इन लिमिट्स के साथ में, जो आपको लिमिट्स दी गई हैं। अगर उससे ऊपर की लिमिट है तो डिवीज़न ऑफिस को भेज देना है आपको। तो ये अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो कस्टमर को देनी है। सबसे पहले जो भी आपका HO, SO या GP है उसको नाम आएगा जहाँ पे क्लेमेंट आया है क्लेम को पास कराने के लिए। उसके बाद में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट, किस डेट को रिसिप्ट हुआ है रिक्वेस्ट जो वो दे रहा है। उसके बाद टाइम वहाँ पे नोट कर लेना है, डिपॉजिटर का नाम यहाँ पे नोट करना है जिसकी डेथ हुई है, अकाउंट नंबर है या फिर कोई NSC KVP के सर्टिफिकेट्स है वो सर्टिफिकेट्स वहाँ पे नोट कर लेने हैं। नेम ऑफ स्कीम में स्कीम का नाम आएगा जो भी SBTD MIS। रिक्वेस्ट नंबर वो आपको रजिस्टर से जो आपको DD क्लेम का रजिस्टर है उससे नोट करके लिख लेनी है, और डेट स्टैम्प के साथ में पोस्ट ऑफिस की और सिग्नेचर आएंगे पोस्ट मास्टर के। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद में ये कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट सबमिट कर देनी है। तो आइए एक बार देख लेते हैं साथ में जो हमारा क्लेम रजिस्टर है वो क्लेम रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है पोस्ट ऑफिस में, जिसकी एंट्री हमें सारे जो भी क्लेम केसेज हैं उसमें एंट्री करनी पड़ेंगी। ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये डिसीज्ड DD क्लेम का जो है रजिस्टर मेंटेन करना है। ऐसे इसमें 12 कॉलम बनेंगे। पहले में सीरियल नंबर लिखना है, केस का मार्क लिखना है सेकंड में, फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम फॉर्म, किस डेट को रिसिप्ट हुआ है, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लेमेंट विद पर्टिकुलर्स ऑफ रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, उसके पूरे डिटेल वहाँ पे लिखनी है, और डिसीज्ड डिपॉजिटर जो मरा है बेचारा, डिसीज्ड डिपॉजिटर का नाम लिखना है, उसकी डेट ऑफ डेथ लिखनी है, अकाउंट की आप सर्टिफिकेट्स की डिटेल लिखनी है, स्कीम के साथ में कौन सी स्कीम थी, 8वें नंबर पे बैलेंस एट क्रेडिट इन द अकाउंट कितना बैलेंस था उसमें वो लिखना है, फिर 9वें नंबर पे लिखना है जो हायर अथॉरिटीज़ को आपकी लिमिट से बाहर का क्लेम का केस है उसको हायर अथॉरिटीज़ को सेंक्शन के लिए भेजा, फिर 10वें में वो सेंक्शन होकर कब वापस आया आपके पास वो डेट वहाँ पर लिखनी है, 11 नंबर पर लिखनी है डेट ऑफ पेमेंट, आपने कैसे पेमेंट किए वो डेट, चेक से पेमेंट की या सेविंग्स अकाउंट में, और 12वें नंबर पे लास्ट में रिमार्क्स आपको लिखना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर जो क्लेम की लिमिट है वो आपकी लिमिट से बाहर आती है तो आपको सीधा सर्विस इंश्योर्ड पोस्ट से डिवीज़न ऑफिस को भेज देना है। तो आइए देख लेते हैं ये कुछ टाइम लिमिट्स हैं, ये टाइम लिमिट्स कितने दिन में क्लेम सेंक्शन करने हैं। अगर अकाउंट विद नॉमिनेशन का है तो विद इन 1 वर्किंग डे में आपको क्लेम सेंक्शन कर देना है, नहीं तो कोई दूसरे केसेस हैं विदाउट नॉमिनेशन के तो उसके लिए 7 वर्किंग डेज का टाइम दिया गया है। SB ऑर्डर 31 के हिसाब से टोटल वर्किंग डेज आपको 7 दिए गए हैं। अगर आप पेमेंट दूसरे पोस्ट ऑफिस से करवाते हैं तो आपको जो भी आपके चेक वगैरह हैं वो आपको वापस आएंगे, वो भी आपको इंश्योर्ड पोस्ट से ही वापस आएंगे। अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड स्कीम के क्लेम आते हैं जैसे NSS 87 वगैरह, तो उनके क्लेम हेड ऑफिस में ही फॉरवर्ड करना है, हेड ऑफिस से ही सेंक्शन होंगे, सब ऑफिस में नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में विद नॉमिनेशन से उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे।